चलो तो बात कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 12 पूंजा मेजर नहीं लगनी। लेखक का नाम है जोसेफ मैकवान। जोसेफ मैकवान बहुत सारे कार्य करने से प्रसिद्ध बने। एक तो एक बहुत ही अच्छे नवल कथाकार है, जो नॉवेल लिखते हैं उसको नवल कथाकार कहते हैं। एक बहुत अच्छे वार्ताकार है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, लाइक शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा भी उसने लिखी है। निबंधकार भी है, काफ़ी अच्छे निबंध भी उसने लिखे हैं। और चरित्रकार, कोई भी व्यक्ति के ऊपर जब लिखा जाए शॉर्ट में तो उसको चरित्रकार कहते हैं। चरित्र को रेखा चित्र भी हम कहते हैं या चरित्र निबंध भी कहते हैं। तो चरित्र चित्रण किया, निबंध किया, वार्ता और नवल कथा के हिसाब से जोसेफ इग्नास मैकवान जन्म खेड़ा जिला ना त्रणोल गांव में हुआ। आनंद ने पास आवेलू ओड गांव उसका वतन हुआ। और 1960 पछी यानी लगभग कितना है प्रयोगशील नवसर्जन का कार्य किया और उसके कारण से जोसेफ मैकवान गुजराती साहित्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ तरीके से बहुत ही अच्छे लेखक और कवि के हिसाब से उभर के आए। इसका जन्म जो था वो खेड़ा जिला में है। गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार की बोली और अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। उसमें जो खेड़ा जिला है, खेड़ा है, आनंद है, वो एरिया की जो भाषा है उसको कहते हैं चरोतर भाषा। तो यहाँ पर जो चरोतर भाषा है, जो उसकी लोक बोली है, उसकी छांट के साथ, छांट क्या होता है, थोड़े से चींटे, लाइक उसके शब्दों का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर चरोतर भाषा की बोली के साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक छोटी सी चरित्र रेखा, यानी कि पूंजा एक मेजर है, पूंजा नाम है और मेजर जो फौज के अंदर, सेना के अंदर मेजर की पोस्ट होती है वो है। और लगनी, कोई भी एक चीज के पीछे लगन से लग जाना, उसको हम गांडापणू भी कहते हैं, पागलपन भी कहते हैं, कि एक चीज के पीछे लग जाता है और जब तक उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक वो काम करते ही रहता है, करता रहता है। तो यहाँ पर लगनी मतलब पूंजा मेजर को कुछ अच्छी चीज प्राप्त करने की जो लगनी लगी है, बस उस बात को लेकर यहाँ पर हम पूंजा मेजर की बात करेंगे। आंगड़ियात, लक्ष्मणी अग्नि परीक्षा, मारी परणेकर, बीज त्रिजना तेज दरिया, ये उसकी सफल नवल कथाओं है। व्यथानी वितक, वालना वलखा, प्रीत प्रमाणी, जन्म जला, पगले पगले, मारी बिल्लू, व्यतीत ने वाटे, ये उसकी नोन पात्र चरित्र ग्रंथों निबंधों है। साधना नी आराधना, ये उसके वार्ता संग्रह है। और इसके अलावा जो उसको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो है भारतीय साहित्य एकेडमी, यानी कि इंडिया का जो लिटरेचर के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड होता है वो इससे प्राप्त हुआ है। दर्शक, जिसको हम जानते हैं मनुभाई राजाराम पंचोली, निकनेम उपनाम इज अ दर्शक, ये दर्शक अवार्ड उसको प्राप्त हुआ है। कन्हैयालाल मुंशी का शॉर्ट नेम इज अ कमा मुंशी, तो कमा मुंशी का सुवर्ण चंद्रक भी प्राप्त हुआ है। इस तरह से उसको अपनी लाइफ के अंदर तीन बहुमूल्य, बहुत ही प्रतिभाशाली सर्जन के कारण से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे, दैट इज पूजा मेजर नी लगनी। वेश बदल लिये शू थयो, मन बदलवा जोइए, नाम बदल लिये शू थयो, भाई काम बदलवा जोइए। कपड़े और हुलिये से इंसान की पहचान नहीं होती। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, आपके अंदर की वाणी और आपके विचार को परिवर्तन करना चाहिए। कहते हैं जैसा सोच वैसी वाणी, और जैसी वाणी वैसा मनुष्य। नेता पे हम भरोसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो बोलता है वो करता नहीं, और करता वो कभी बोलता ही नहीं। मन में कुछ और होता है, बातें कुछ और करता है, और जो होता है मन में और बोलता है ऐसा कभी करता तो है नहीं। परंतु अगर मनुष्य जैसा सोचे ऐसा बोले एंड जैसा बोले ऐसा करे, इस इंसान पे हम भरोसा कर सकते हैं। और इसी के कारण से महात्मा गांधी कहते हैं कि मारू जीवन एज मारो संदेश। मैंने जैसे अपनी लाइफ को जिया है, सत्य के साथ जिया, सहकार के साथ जिया, प्रेम और सदाचार से जिया, बस उसको आप देखो, समझो, समझ पाए, लाइफ में उतारो, अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं है, तो वही मेरा संदेश बन जाएगा। गुजराती में कहावत है आचार एज प्रचार नु साधन छे, आचरण करना, अप्लाई करके देखोगे कि भाई सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, पर करो तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो सही में बहुत बहुत अच्छी बात है। तो लाइक अप्लाई करेंगे तो आचरण किया एंड भी वही आपका प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट बन जाएगी। इसलिए वेश बदलिए, कपड़े चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप अपना मन बदलो,
नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला भाई, आप अपना काम बदलो। उलट भेर आ कड़ी गौड़ाओ नार पूंजा मेजर। साल्वेशन आर्मी ना अमलदार हता, अमलदार मतलब ऑफिसर हता। जिंदगी आखी मिशन की सेवा में उसने पसार कर दी, गाड़ी मतलब पसार की। और फिर निवृत्त यानी कि पेंशन लेने का कार्य आए उस टाइम पे वो अपने मूल वतन अपने मूल गांव पे वापिस आते हैं। आए तो उसके पास था क्या, देखो कपड़ा नहीं एक पेटी, अंडरलाइन करेंगे, कपड़ा नहीं एक पेटी और खप जोगा, खप जोगा मतलब उपयोग में आए उतने वासन यानी कि बर्तन, एक कोथड़ो बस आटलो जेनो सामान्य सामान। दो चीज लेके आए थे, एक पेटी और एक कोथड़ो, पेटी में थे कपड़ा और कोथड़ा में थे उपयोग में आ सके ऐसे बर्तन, ज्यादा नहीं, मिक्सचर ग्राइंडर ब्लेंडर ये कुछ नहीं था, सिंपल से है, थाली चम्मच वो भी होगी कि नहीं होगी, एक कटोरा बस काम खत्म। जो ना रहो जो देखने आए कि भाई भारत के अंदर इतना बड़ा मेजर पूंजा मेजर हमारे गांव का वतनी, उसकी इतनी बड़ी नामना बातचीत होती है हमारे गांव में, उसका भाई यहाँ पर रहता था भवन काका, वो हमेशा उसकी बातें करते रहते थे, वो आज गांव में वतन में वापिस आ रहा है रहने के लिए, जरूर चार पांच गाड़ा तो लेके आए गए, गाड़ा मतलब बैलगाड़ी, पहले सामान बैलगाड़ी में आती थी, पर जब देखा तो सामान्य दिखने वाला बंदा सही में सामान्य था, दो पोटले लेके आए। जोनाराव ने आश्चर्य थयू, अजंपामा पड़ी गया, कोई के पूछी पण ना क्यों, अरे मेजर काका सामान मुगाडू पाछड़ आयो छे के शू, अब तो इतना ही सामान लेके आए, आपके बाकी का सामान किधर है। परंतु जो मेजर काका ने पूंजा काका ने जो जवाब दिया बहुत ही सरल और सीधी भाषा में दिया था, अल्या भाई आज सामान छे मारो, हमारे बे मानस ने केटलू जोईए भाई, लाज ढाकवा माटे लंगोटी, लाज बोले तो इज्जत आबरू रखने के लिए एक लंगोट पहन लेते इतना कपड़ा, अने पेट ढाकवा माटे कलेड़ी, कलेड़ी बोले तो पेट में डालने के लिए जो रोटी बनाते है वो जो तावड़ी होती है, तावड़ी मतलब मिट्टी का तवा, इन्हें तावड़ी कहवाए और तावड़ी को कहते हैं कलेड़ी, बस उसके ऊपर रोटी या रोटला सेक ले उसके लिए कलेड़ी चाहिए खाना खाने के लिए बनाने के लिए, उसमें खाना बनाते तो उसमें खा लेने का, ले पेट ढांकवा माटे कलेड़ी और लाज ढांकवा माटे लंगोटी हैं, इस तरह से हंस देते थे अने पछी मोकड़ू हसी पड़ता। त्यारे साचो जवाब सांभळनार ने मांगनार ने पण आश्चर्यचकित हो जाता, भाई क्या सही में ये पूंजा मेजर है जो इतना बड़ा इतनी बड़ी नामना लेके आया, हमें जोयेलू ये जो बात है वो जोसेफ मैकवान कर रहे हैं कि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी उस वक्त जिंदा थे और हमने ये मेजर काका को देखा था, पूंजा काका को देखा था, हमें जोयेलू कि गाम मां मिशन नो नवो मास्टर आवे अले गाड़ा मां सामान लावियो होय, और जब इस गांव में से बदली होके कोई और जगह पे जाता तो जो एक गाड़ा का सामान होता वो दो में कन्वर्ट हो जाता था या डेढ़ या ढाई में कन्वर्ट होता, मतलब इकट्ठा करके ही जाता। ये बंदा तो बाहर से आया अपने वतन में और कुछ भी नहीं लाया, अले मैं जो लो गाम ना मिशन नो नव मास्तर आवे एटले गाड़ू नो सामान लावियो होय अने बदलाए जतो होय त्यारे दोढ़ गाड़ू सामान थयो होय, केटलाक ने अमे बब्बे गाड़ा भरी ने पण आवता जता जोयेला, एटले पूंजा मेजर नी साव टाची घर वकरी, टाची मतलब सामान्य थोड़ी सी घर वकरी मतलब घर की इनकम को देख कर विचारनार ने पण लाग्यो के भाई आ मानस मां काई माल नथी, हैं जिंदगी आगी फोकट मां खर्ची नाखी, हवे खबर पड़शे के केटला विहे होवा थाय छे, केटला विशे सो विशे मतलब 20 × 5 = 100, ये पढ़नार को पता चलता है ओके 20 20 25 टाइम लेते हैं तो 100 होते हैं, पर बोलना अलग होता है करना अलग होता है। इस तरह से ये भाई साहब ने अभी तक कोई पैसा नहीं लिया, ईमानदारी से जीना चालू रखा है, अब जब लाइफ निकालनी पड़ेगी गांव के अंदर हम सबके साथ में तो पता चल जाएगा कितना विशेष होता है, मतलब थियरी अलग होता है प्रैक्टिकल अलग होता है, प्रैक्टिकल करने आया अभी। फोगट में खर्च कर देना मतलब फालतू में खर्च कर दिया, अने मानस मां काय माल नथी मतलब इसकी कुछ औकात नहीं है, कोई इज्जत आबरू नहीं है कि अपनी लाइफ में थोड़े पैसे भी नहीं कमा पाया। इस तरह से लोगों के मन के अंदर कुछ मेंटालिटी पूंजा मेजर के प्रति पूंजा काके के प्रति कुछ अलग आ गई, पर मेजर काका ने एवं तेव कहीं नहीं,
એ તો મૂકો આવેલા બે જણને લઈને ચાલ્યા સીધા પોતાને પડાવે, જ્યાં પર રહેતે હો જગા કો પડાવ કહેતે હૈ। મુક્તિ ભોજના મંદિરની અડોહડ, અમારે ગામ કે અંદર એક મંદિર થા, મંદિર કા નામ થા મુક્તિ ભોજ। ઉસકે અડોહડ ઉસકે બાજુ મે હી એક ખંડેરિયુ ઘર, ફૂટને ફૂટને પડા થા, દીવારો કે અંદર ચાર પાર ક્રેક થી, ઉપર નલીએ તે નહીં, દરવાજે મે આગળિયા નહીં થા, એસા ટૂટા ફૂટા ખંડેર। એસે ઘર કે અંદર વો રહેને ચલે ગયે, વર્ષો થી બંધ પડા થા, આવવા ના થયા। એટલે ઉસકે જો ભૈયા થે હમારે પૂંજા મેજર કે, ઉસકે બડે ભાઈ સાહેબ થે, ઉસકા નામ થા ભવાન કાકા, એ આવવા ના થયા। એટલે ભવાન કાકા એને જો ઘર થા એને વાળીને, મતલબ ઝાડુ સે જો ઝાડુ માર દેતે ને, વાળવું કહેવાય, વાળીને લીપીને, મતલબ જો મિટ્ટી ઓર ગોબર સે ઉસકો ગાર કર દેતે હૈ, ઉસકો વાપસ સે ચૂના ઓર વો લગા દેતે ને લીપવું કહેતે હૈ। વાળી લીપીને સરખું કરી દીધું અને ભવાન કાકા એના સગા મોટા ભાઈ, અંડરલાઈન કરેંગે, ભવાન કાકા કે સાથ પૂંજા મેજર કી ક્યા રિલેશનશિપ હૈ તો ઉસમે આયેગા, દેટ ઇઝ સગે બડે ભૈયા કે લાગે એવું જાણે કે અલગારી પણ એમનામાં આવવાનું આયત પણ હોય, બસ એકદમ મોલા ફકીર મસ્ત મોલા થે, ના કિસી કે પ્રતિ ટેન્શન, ના ખુદ કે પ્રતિ કોઈ ટેન્શન। એસે આવ્યા એ સાંજે મેજર ભવાન કાકાને પૂછે, જિસ દિન આયે ઉસી દિન મેજર ને ભવાન કાકા કો પૂછા કે ભવાન ભાઈ એકાદી માછી બાછી મળે કે, હું તો હેઠળ હુઈ રહીશ પણ આ ઉજમ ને તો જોઈશ છે, ડોશીના હાડકા હજી પોચા છે। ઉજમ અંડરલાઈન કરેંગે, ઉજમ જો હે હમારે પૂંજા મેજર કાકા કી વાઇફ કા નામ હૈ, હમ ઉસકો પૂંજા કાકા તો ઉજમ કાકી બોલેંગે, ઠીક હૈ। હેઠણ સુઈ રહીશ, મતલબ મેં નીચે સોતા રહુંગા, મુજે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હૈ, દેટ ઇઝ ચરોતરી બોલી। એન્ડ માછી બાછી, નોર્મલી હમ કોઈ ચીઝ કો પ્યાર સે દો બાર રિપીટ કરકે બોલતે કે કભી આવો ના મારે ઘર મે ચા બા પીને કે લિયે, ચા તો પીતે બાકો કૈસે પીએંગે હે, કભી ચા પાણી કે લિયે તો આવો, યા પાણી બાણી તો પીને જાઓ, યા પાણી બાણી ક્યા હોતા હૈ, હે ના। તો નોર્મલી બ લગા કે હમ ઉસકો થોડા પ્યાર બતા દેતે। માછી ક્યા હોતા હૈ, માછી મતલબ ખટિયા ચાર પાય, જો છોટી સી હોતી હૈ ગાંવ કે અંદર, છોટી સી જો હોતી હૈ ઓર ઉસકો ઘર મે ઉપર લગા દેતે હૈ ઓર ઉસકો રસ્સી કે સાથ બાંધ કે ઉસકે અંદર ઓનિયન હૈ, લસુન હૈ, પટાકા હૈ, યાની કે હમારા એક પ્રકાર સે વો ભંડકિયા કે કામ કરતા હૈ, કુછ સ્ટોરિંગ કરના હૈ, સ્ટોર રૂમ હમારા ઉપર લટકને વાલા સ્ટોર હો જાતા હૈ, ઓર ઘર કે અંદર છોટા બચ્ચા પેદા હો ગયા તો ઉસકો ઉસમે સુલા દેતે હૈ, હે ના। ઓર કુછ કામ નહીં આતા તો એસે લોગ બોલતે હૈ મેરે કો તો દે દો યાર, મેં ઇસમે સોયા રહુંગા, બોલે કે મેરે કો કોઈ ખટિયા કી જરૂરત નહીં હૈ, મેં તો મેજર હું, કહીં પર ભી સો જાઉંગા નીચે, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ। પર એ ઉજમ કે થોડે હડ્ડિયા હૈ ના વો પોચી હૈ, સોફ્ટ હૈ, ઉસકો નહીં ખાયેગા, અગર આપકે ઘર મે પડી વડી હો તો જરા દે દેના, બોલો ખુદ કે પાસ માછી કા ભી વેત નથી, વેત નથી મતલબ કેપેસિટી નહીં। ભવાન ભાઈ એકાદ માછી બાછી મળે, મતલબ ખટિયા મિલ જાય તો અચ્છા હૈ, મેં તો હેઠણ, મતલબ મેં તો નીચે સોતા રહુંગા, પર ઉજમ કો ચાહીએ હોગા, ડોસી કે હડ્ડિયા થોડી પોચી હૈ, સોફ્ટ હૈ, ભવાન કાકા કઈ કહે પહેલા મારા બાપુ, યાની કે જોસેફ મેકવાન કે પરમ પૂજ્ય પિતાજી, ઉસને પૂછી ડાલા, ઉસકો બોલ દિયા, ક્યોંકિ વો ક્યા હમ ઉમ્ર થે, મિત્ર લોગ એક દૂસરે કો પૂછ સકતે હૈ, તે હૈ મેજર આખી જિંદગી બે ખાટલા ને વેતના કરી શકો તમે, ત્યારે તમે કમાયા શું, પૂરી જિંદગી યાર મેજર પણ આ ક્યા તુમે, હે સેવા કી ભારત દેશ કી, ઓર ઇતના પૈસા ભી ઇકઠા નહીં કર પાયા કે અપને લે દો ખટિયા ખરીદ સકે, તો કમાયા ક્યા, ક્યા લેકે આયા, બોલા કમાય ને, બોલે ક્યા કમાયા, પેલા હિન્દુ લોકો નથી કહેતા એમ, રામ નું નામ બસ માસ્તર ઓર કુછ નહીં, એ ક્રિશ્ચિયન થે, ઇસકે કારણ સે એ ઈસુ મે જીસસ ક્રાઇસ્ટ મે બિલીવ કરતે થે, ઓર ઇસકે કારણ સે ઉસને સ્પેસિફાઈ કિયા કે હિન્દુ લોકો કહે છે એ પ્રમાણે કે મેં કમાયા હું તો બસ ભગવાન કા નામ, યાની કે રામ કા નામ મેં કમાયા, સચ્ચે ઓર પ્યાર સે ઈમાનદારી સે કામ કરતે થે। મોહી લાગી રે લગનિયા રે, મેં તો ઈસુ સંગ પ્રીત લગાના રે, પ્રીત લગાના રે, પ્રીત લગાના રે, મોહી લાગી રે લગનિયા, મેં તો ઈસુ સંગ પ્રીત લગાના રે, ઉસકા ફેવરિટ ભજન થા, ગાના થા, જબ કોઈ ચીઝ કા જવાબ નહીં મિલતા તો ગાના ગા કે સબ કો અપની ધૂન મે રંગ લેતે થે, ભૂલ જાતે થે ક્યા પૂછા થા, ભૂલ ગયે, બસ ભગવાન કો હમેશા ઉસકે હિસાબ સે ભજન કીર્તન કરતે રહો, યે પ્રશ્ન યે ઉત્તર
यहाँ पर ही पड़े रहने वाले हैं, इसका आंसर क्या है? क्या भाई, कुछ नहीं है, भगवान को याद कर, वही सही है ना। गीतों में एटली मस्ती टपकती हती। भगवान काका कहे, आखी जिंदगी गीत गाया बस, हजू धरायो नथी तू, है बे कुक्का का कमायो धमायो करो। कुक्का मतलब पैसा, सामान्य पैसा, पहले आना पाए पैसो काणियों पैसो ऐसा आता था, कुक्का सामान्य पैसा था एकदम। लाइक आदमी बोले चवन्नी भी नहीं कमाया क्या? चवन्नी मतलब 25 पैसे, उस टाइम पे चवन्नी मतलब 500 पैसे, बहुत ज्यादा ही हो जाता था। क्योंकि कुक्का पढ़ना कमाया लोग ने तो एमा रस पाछल छेड़ो वाड़ना रे कोई तो जुए ने, ये क्या हिसाब है तने रड़शे। अब ये उजम काकी अने पूंजा काका उसकी लाइफ के अंदर ये ट्रेजेडी थी कि कोई बच्चा नहीं था, और उसके कारण से दोनों अकेले थे। पूरी लाइफ दोनों ने अकेले निकाले, अब बूढ़ापा है, वो एक दूसरे के सहारे अपने वतन में निकालने के लिए आए। यहाँ पर एक एडवाइस दे रहे भगवान काका कि भाई देख, थोड़े पैसे तो कमाने चाहिए थे तेरे को, आज नहीं तो कल तू जिसके आधार पे रहेगा, क्योंकि तू तो चला जाएगा, तेरी डेड बॉडी जलाने के लिए तो कोई चाहिए, नो डाउट मैं तेरा भाई हूं, मैं जला दूंगा, पर अगर मैं तेरे पहले निकल लिया तो, अगर वो जलाने के लिए सोचेगा तो क्यों सोचेगा भाई। आज की दुनिया बहुत स्वार्थी है, पैसा पहले देखती है और पैसे के हिसाब से प्यार बताती है, पैसे के हिसाब से स्माइल देती है, जितना पैसा उतनी बड़ी स्माइल। ले जे पाछड़ वड़ावा माटे आवशे तुझे श्मशान घाट तक या तेरे कब्रस्तान तक, उसको तेरे में क्या होगा जिससे वो तेरे में इंटरेस्ट बताएगा? पाछड़ छेड़ो वाड़ना रे तो कहीं जुए ने, ये क्या हिसाबे रड़शे, हिसाब के रोना है ना। हमारी जिंदगी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्वाति जी, कोई आपके पीछे रोएंगे तो क्यों रोएंगे, कोई बैठ के काउंटिंग करना, अगर आप कितना अच्छा जिए हो वो इस तरह से पता चलेगा कि अगर आप बैठे हो और आप सोच रहे अगर मैं 5 घंटे के बाद मर जाती हूँ या मर जाता हूँ तो मेरे पीछे रोने वाले कितने, जो ज्यादा नहीं 10-15 दिन नहीं रोना है उसको, सिर्फ 3 दिन सच्चे हृदय से रोए, जबरदस्ती नहीं। कुछ लोग तो ऐसे रोते हैं मतलब ना रोए तो अच्छा है, चिल्लाते ज्यादा है, ऐसे रो पड़ते हैं कभी कभी तो हंसी आ जाती है। सच्चे हृदय से रोने वाले कितने, ये काउंटिंग करने बैठना आप, ज्यादा 10 या 15 तक पहुंच पाओगे, है ना। यानी कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ 10% ही जी पाए हो सच्चे, या 15%, पर अगर आपने अपनी काउंटिंग 100 तक लेके गए तो आपने अपना जीवन सही में चरितार्थ कर दिया है कि वाह बहुत ही बढ़िया काम किया हमने। क्योंकि 100 लोग मिलते नहीं और रोएंगे क्यों, रोएंगे इसलिए क्योंकि रोने वाले कौन है, 4-5 उसमें मम्मी पापा है, क्यों, क्योंकि उसने 100% आपको प्यार किया और आपने उसको 100% प्यार किया, और अगर आपको 100 का रेशियो डालना है तो आपको दूसरों को भी उतना ही प्यार देना पड़ेगा और वो भी आपको इतना ही प्यार करेगा तो रोएगा, बाकी क्यों रोएगा। ये काम करो, ये मनुष्य जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कहता है कि ते क्या हिसाबे रड़शे, तमे आप पहुंचो भगवान भाई, तमे आप ऐसा बोलते हो, ओवे आ जता जीवता रे मारे वेड वेढ़ा और ही पड़े छे, मने एम के तू कांक बे पांदड़ा थयो हो तो मारे एटली माया ओछी, बे पांदड़ा हो ना। जैसे छोटा सा प्लांट डूबता है तो वो सिंगल होता है, फिर उसके ऊपर एक पत्ता आता है, फिर दूसरा पत्ता आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। उस तरह लाइफ में पति और पत्नी के जीवन के अंदर पत्ते आना, एक बच्चा, दूसरा, तीसरा, लड़का, लड़की, तो तू तो क्या है, 2 पत्ता हुआ नहीं, लाइफ में कुछ है नहीं। अब तेरे लाइफ में तो कोई मुंह माया ही नहीं है, बच्चे होंगे तो मुंह माया होगी ना। जो तार कहो, मैं आपको बोलता हूँ तार है मतलब क्या है, ऐसा मैं आपको कहूँ, कहो मतलब कहूँ, मैं एवी कशी अबड़खा राखी नहीं, अबड़का मतलब ऐसे ही कोई टेंशन लिया ही नहीं लाइफ में, तार वालो बैठो छे तारने वाला। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क के बीच में एक नदी है, उस नदी में से क्रॉस होकर हमें उधर जाना पड़ता है। नर्क मतलब पाप करने वालों की जगह और स्वर्ग मतलब पुण्य करने वालों की जगह। पर ऐसा होता है कि आपने भी अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ गलत किया ही होता है तो पहले नर्क में ही जाओगे, सबका एंट्री वहां पर ही होती है, उसमें सारा सॉल्व कर लो फिर आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। तो उधर तार होने के लिए भगवान की उंगली पकड़नी पड़ती है वहां तक जाने के लिए, और भगवान तो ही पकड़ेगा ना जब आप पाप पुण्य करोगे, पाप को धो दोगे। लिखा है यहाँ पर कि जो तारो वाड़ो, हमें जो
उधर ले जाने वाला, अच्छी जगह पर ले जाने वाला जे भगवान ईश्वर छे ए बैठो छे, बधु एना भरोसे छे। आ परवा वाला नी वेळा आवी अने घर वखरी कई एक थी थती थी ते हाचू कहो तो मने लजवती हती, वेची हाटी ने मारी पाछळ आवो एम नाजरेथ वाला ए, अंडरलाइन करेंगे नाजरेथ वाला ए, ये यीशु भगवान का एक नाम है, उसका एक भक्त था, लाइक हमारे मीराबाई को होके कृष्ण करो है दोनों एक ही, क्योंकि मीराबाई ने अपने जीवन के अंदर कृष्ण 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 ही डाला था, तो मीराबाई कृष्ण ही बन गए थे, है ना। नरसिंह मेहता को कृष्ण को दोनों एक ही थे। तो नाजरेथ वाला एक बहुत ही अच्छे फॉलोवर थे यीशु भगवान के, तो इसको भी एक ऐसे धर्म गुरु है जिसको यीशु की तरह ही पूजा जाता है। एना नाम एना गाता ए बधु एकठू थयुं, एनु भान न रह्युं, हथुई वेची दीधुं, हथुई मतलब सब कुछ मैंने बेच दिया, जो ने एने जरूर हती एवा हव ने आली देशु, जिसको भी जरूरत होगी एने सबको बांट के आ गया। ने चालवाज मांडी तो पाछू आवी अने शाह हाथर जो, और वापिस मैं पीछे वर के क्यों देखूं, जब मुझे कुछ चाहिए नहीं था तो मैंने जितना भी कमाया था सबको बांट के आ गया, मने जरूर हसे तो आलवा वालो मतलब देने वाला वो भगवान ईश्वर क्या बैठो न थे, वो कहा नहीं देने वाला है। इस तरह से ये सब कुछ अपना भगवान यीशु के ऊपर सौंप कर हमेशा गीत गाते रहते, मुझे लाए लागी रे लगनिया, मैं तो यीशु संग गीत लगाना रे, हारू तारे मांगो है नहीं पाए। जो हम जो है व्यवहारू लोग, जो जीवन के अंदर रिलेशन मोह माया उन सब में पड़े हुए हैं, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, नौकर चाहिए, रिलेशन के लिए बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, गिफ्ट देना है, ये करो, दिवाली आई, शादी आई, हम सब व्यवहारू लोग हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं, और ये